ओम शांति। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है। आपको एक ऐसी बात पता चल गई जिसके लिए आपने इतना इतना इंतजार किया, इतना भटके, इतनी पुकार की। आत्मा ने पुकारा ना, शरीर ने तो नहीं पुकारा। आप सोचेंगे हमने जब से ये शरीर लिया तब से तो इतना नहीं पुकारा है, माना बचपन से कोई इतनी भक्ति पूजा पाठ नहीं किया है, तो ऐसा एहसास नहीं होता। लेकिन जब भी कोई तकलीफ होती है तो भगवान ही क्यों याद आता है। तो आत्मा में ये बात फिक्स है कि उसको याद परमात्मा की आती है। तो इतना ढूंढने के बाद जो मिला हो आपको और जहां आपको पहुंचना था, जहां से आपका प्रोसेस स्टार्ट होना था, वहां आप पहुंच गए, माना उस ठिकाने पर पहुंच गए जहां पर डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट परमात्मा आपकी पालना के निमित्त है। सोचो तो खुशी में कितने रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। खुशी किस बात की होनी चाहिए? हम कहते हैं हम खुश हैं, किस बात से खुश हैं? कोई तो पॉइंट होगा ना आपके जीवन का जो आपको खुश करके जाता हो। जैसे दुखी होने के भी कई कारण हैं, तो खुश होने के भी कोई कारण होते हैं। माना आप जिसको ढूंढ रहे थे उसने आपको ढूंढा, अपने पास बिठाया, आपको संवारा, आपको सजाया, आपको निखारा। फिर हम कई बार पुरुषार्थी जीवन को देखकर ऐसा समझ लेते हैं हम क्या करें, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। लेकिन आपको जो मिला है क्या उसका टेस्ट याद नहीं आता? हम सिर्फ अपनी कमी कमजोरियों की वजह से वो भूल जाते हैं कि मिला कौन है। जिसको इतने समय से ढूंढा, आधा कलब ढूंढने में लगाया और जब लास्ट में मिला तो साइंस ने भी बड़ा अच्छा अपना रूप दिखाया, माया ने भी बड़ा अच्छा अपना रूप दिखाया, बहुत अच्छा पंप दिखाया। तो हमें लगा कि हमें इधर चलना चाहिए या इधर चलना चाहिए, पर ये चॉइस कहां से आई? आप तो एक ही रास्ते के लिए निकले थे। आपकी चॉइस कहां से आ गई कि आपको इधर चलना चाहिए या इधर चलना चाहिए? जब तक माया ने आर्टिफिशियल कुछ नहीं दिखाया था तब तक आपको एक ही बात पता थी, हमें उससे मिलना है, उस परम पिता परमात्मा से मिलना है, उसी ठिकाने तक पहुंचना है। माने ये हर एक आत्मा की चॉइस है। आपको आज महसूस नहीं हो रहा है लेकिन दुख में फिर उसको याद क्यों करते हो? अगर आत्मा में ये पॉइंट क्लियर नहीं है फिर दुखी होने पर उसको क्यों याद करते हैं? माना उसने इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, अगर हल्का सा भी दुख आता है तो परमात्मा ही याद आता है, उसी की याद आती है, तो बताओ क्यों? तो हम अभी एक ऐसे ठिकाने पर पहुंच गए हैं और हमने अभी जान लिया, पहचान लिया, समझ लिया, तो खुशी में तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। माना खुशी इतनी कि इस जीवन में अगर कोई भी छोटी मोटी बातें होती है ना उसको आप हवा में उड़ा सकते हो। खुशी इतनी है आपको अपने जीवन की, जिसको अपने इस जीवन से प्यार हो गया, कब? ब्राह्मण बनने के बाद। जिसको ब्राह्मण बनने के बाद समझ में आया जीवन जीना क्या होता है, तो उसके खुशी में रोमांच खड़े होते हैं। माना भगवान हमारे चेहरे पर वो खुशी देखना चाहते हैं जो इस दुनिया से परे की हो। जैसे किसी को अचानक से कोई ऐसी लॉटरी मिल जाती है तो उसके रोमांच खड़े हो जाते हैं, ऐसे तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ओम शांति।